दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम हाउस जयपुर में। एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर जगतपुरा में एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आइए, तो आज मैं आपको जगतपुरा की मोस्ट प्राइम लोकेशन VIT कॉलेज के पास में ये JDA अप्रूव्ड 12 विला लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइन से कम्प्लीटली अभी रेडी है, रेडी टू शिप है। आप चाहो तो आज लेकर आज यहाँ पर रह सकते हैं। हमारा जो ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, इसमें आपके 80 गज़ के विला रहने वाले हैं। वहीं बात करें कि बड़ी साइज़ में, तो आपको 100 गज़ का भी विला मिल जाएगा। आज मैं जो इस वीडियो में विज़िट कराने वाला हूं, वो 100 गज़ का डबल स्टोरी 4 BHK का विला विज़िट कराने वाला हूं, जिसमें आपको 2 किचन मिलती है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर भी और फर्स्ट फ्लोर पर भी। फर्स्ट फ्लोर की किचन को आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई करा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंट्रेंस गेट की, तो यहाँ पर आपको डबल एंट्रेंस गेट मिल जाता है, डबल एंट्री यहाँ पर मिल जाती है। सामने आपको 30 फीट का रोड मिलता है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो यहाँ पर जो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू देख रहे हैं, उसके जस्ट बैक साइड में इस कॉलोनी का पार्क आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रोड है, ये 30 फीट की रोड आगे चल के 100 फीट की रोड को कनेक्ट करती है। दोस्तों लोकेशन की बात करें तो डी मार्ट से डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, VIT कॉलेज से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। वहीं आशियाना 144 का प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर नियर बाई देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको गोने रोड से भी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। साथ में प्रेजेंट टाइम में इस प्रोजेक्ट में आपको सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई आपको यहां पर देखने को मिलती है। बीसलपुर की लाइन भी आपको इसी प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगी। साथ में प्रेजेंट टाइम में पानी की सप्लाई के लिए पर्सनल बोरवेल की भी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं अंदर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप विला देख रहे हैं, ये 100 गज का विला रहने वाला है, जिसकी डायमेंशन रहने वाली है 20x45 की। और जो आप लास्ट के जो विला देख रहे हैं, ये 80 गज में रहने वाला है, जिनकी डायमेंशन 16x50 रहने वाली है। प्राइस क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो 70-80% तक आपको लोन इजीली मिल जाता है। अब मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूं। तो फर्स्ट टाइम जब आप यहां पर एंट्रेंस देखेंगे, तो ये आपका मेन एंट्रेंस रहेगा। वहीं आप अगर यहां पर देखेंगे तो एक छोटा एंट्रेंस भी, गेट भी हमने यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले फोकस कर लीजिए दोस्तों आप पार्किंग साइज़ पर, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छे साइज़ में पार्किंग मिल जाती है। देखेंगे आप तो एक बड़ी जो SUV कार है वो ईजिली आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इधर आपको यहाँ पर आराम से जो है 4 से 5 बाइक की पार्किंग मिल जाती है। वाटर टैंक फैसिलिटी हम आपको इस विला में देने वाले हैं। अंदर की अगर तरफ मैं लेके चलता हूं, तो उससे पहले दोस्तों यहां पर फोकस कर सकते हैं, इस विला में आपको बाहर से ही स्टेयर्स मिल जाती है, तो आप इजीली फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप एंट्रेंस गेट से एंट्री लेंगे, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा इसका कॉमन लेट बाथ, जिसमें वेस्टर्न शीट हमने लगा कर दी गई है। और लगभग बात करें तो 7 फीट से भी ऊपर आपको यहाँ पर हाइट तक टाइल्स देखने को मिलने वाली है। ऊपर आप अगर आप देखेंगे तो हॉल में आपको एक प्यारी सी 4 सीलिंग की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। ये एज इट इज़, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। प्राइस क्या होगी वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर आपको मिलेगी एक जो है TV यूनिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी साइज़ में। आप लगभग बात करें तो 65 इंच तक की LED यहाँ पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं लैम्प से इसकी जो विला की खूबसूरती है वो और बढ़ जाती है। वहीं आपको यहाँ पर फुल मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, यूनिटेक की। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी एक मतलब लग्जरी किचन हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाकर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर जो है वुडन का काफ़ी यूज़ हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यहाँ पर लगाया गया है। और किचन और हॉल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एक ये इंटीरियर का पार्ट हमने यहाँ पर लगाया गया है। तो ये पूरा आपका एक किचन रहने वाला है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सामान स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको कुछ रैक्स मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ईजिली अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। सिंक की साइज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी साइज़ में सिंक मिल जाता है। तो ये हॉल का पार्ट हो गया। वहीं ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 रूम्स देखने को मिलता है। एक रूम ये रहा, एक रूम ये रहा। फर्स्ट टाइम हम ये विजिट करा रहे हैं आपको, तो ये देख सकते हैं दोस्तों अच्छे साइज़ में आपको ये रूम मिलता है। एक दीवार पर आपको ये वॉलपेपर भी हम लगा के दे रहे हैं। ऊपर की साइड आप 4 सीलिंग के डिज़ाइन पे फोकस कर सकते हैं। सभी जो है रूम्स में, हॉल में आपको सेपरेटली AC का जो है पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप वार्डरोब्स पे बात करेंगे तो पूरी हाइट तक आप देख सकते हैं दोस्तों वार्डरोब्स आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ओपन करके भी बताऊँ तो ये देख सकते हैं इसकी साइज़। यहाँ पर ये लॉक है, ये कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। ऊपर भी आपको इसी तरीके का स्टोरेज देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस रूम के साथ में आपको यहाँ पर बैक साइड में स्पेस देखने को मिलता है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर आप देख सकते हैं आयरन ग्रिल का यूज़ किया गया है, तो आप इस पोर्शन को एज अ वॉशिंग एरिया में भी काम में ले सकते हैं। मैं आपको सेकंड रूम में लेके चलता हूँ। सेकंड रूम में भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये है इस विला का सेकंड रूम। यहाँ पर भी आपको एक दीवार पे वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, फोर सीलिंग के डिज़ाइन, एसी का पॉइंट। और जो वेंटिलेशन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, आप विंडो की साइज़ देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बैक एरिया दिखाया था उसी के साथ में ये ओपन होता है। तो आपको इजीली एक अच्छी साइज़ में प्रॉपर आपका जो है विंडो मिल रही है, तो प्रॉपर आपका वेंटिलेशन होता रहेगा, प्रॉपर आपको सनलाइट मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने आपको एक फुल हाइट तक डबल डोर में अलमीरा इस रूम में भी लगा कर दिया गया है। तो ये इस विला का ग्राउंड फ्लोर होने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का जो पार्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी फैमिली छोटी है, तो वो इजीली इस विला को लेकर फर्स्ट फ्लोर भी रेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से स्टेयर्स हैं तो आपको इजीली जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेपरेट हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ स्टेयर से ऊपर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं बालकनी का साइज़ कितना शानदार आपको देखने को मिलता है। वहीं आप दीवार पे इस टेक्सचर पे फोकस करेंगे तो एक बहुत ही प्यारा टेक्सचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन सिंपल सी आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलती है। ये जो है छत पे जाने के लिए भी यहीं से आपको बाहर से स्टेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे ही आप आएँगे तो हॉल में आपको यहाँ पर एक दीवार पर वॉल पेपर, ऊपर की तरफ प्यारी सी फोर सीलिंग, और साइड में आपको यहाँ पर एक वुडन टेक्सचर देखने को मिलता है। हॉल में अगर वेंटिलेशन सनलाइट की बात करें तो एंट्रेंस गेट मतलब स्टेयर्स के साइड में ही आपको यहाँ पर एक अच्छे साइज़ में विंडो मिल जाती है, जिसमें हमने स्लाइडर डोर ग्लास के साथ में और आयरन ग्रिल का यूज़ किया गया है। अगर गेट की बात करें तो हर जगह आपको यहाँ पर हैवी क्वालिटी के वुडन के गेट मिलने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस हॉल में ही आपको यहाँ पर किचन का प्रोविज़न मिल जाता है। यहाँ पर अब आप ये जो किचन है ये आप अपने अकॉर्डिंग भी पूरा मॉडिफाई करा सकते हैं, कि आपको नीचे रैक्स कैसे लगवानी है, ऊपर स्टोरेज कैसे लगवाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको तैयार करवा सकते हैं। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ब्लैक कलर के ग्रेनाइट के यहाँ पर यूज़ किया गया है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एक आपको विंडो यहाँ पर मिल जाती है, एक विंडो यहाँ पर मिल जाती है। चिमनी वगैरह फिट करने का भी पूरा प्रोविज़न दिया गया है। जो ये जो आप एरिया देख रहे हैं दोस्तों, इसको आप ऐसे ओपन भी रख सकते हैं, और चाहो तो हॉल और किचन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कोई एक जो है पार्टीशन भी आप ऐड करवा सकते हो। ये जो रहने वाला है दोस्तों इस फ्लोर का, ये कॉमन लेट बाथ रहने वाला है, जिसमें आपको वेस्टर्न शीट हमने लगा कर दी गई है। फुल हाइट तक आपको विंडो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इसके थर्ड रूम की तरफ। ये रहने वाला है इसका थर्ड रूम, और ये रहने वाला है फोर्थ रूम। ये इस रूम की बात करें तो सेम जैसे मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे बताया था, सेम वैसी ही डिज़ाइन में आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसका अटैच में लेट बाथ रह गया है। एक दीवार पर आपको सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, ऊपर आपको फोर सीलिंग देखने को मिल जाती है, इधर की साइड आपको एक वेंटिलेशन एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको सनलाइट यहाँ पर मिल रही है। तो सेम जैसा नीचे डिज़ाइन था, सेम दोनों रूम्स का उसी साइज़ में यहाँ पर भी आपको जो है डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये इसका फोर्थ रूम हो गया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम साइज़ में आपको विंडो, वार्डरोब, फोर सीलिंग, एक दीवार पे आपको वॉलपेपर। तो ये पूरा का पूरा एक लग्जरी विला रहने वाला है। जब ये फुल फर्निश्ड हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा लुक देगा। मैं आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ, आसपास का एक बार व्यू भी दिखा देता हूँ कैसा लगेगा। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ इसके टेरिस पे। दोस्तों अगर टेरिस में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। आप जो है यहाँ पर गेट की क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉपर आपको हैवी जो है आयरन में आपको यहाँ पर गेट लगा कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा हमारा विला है, हम आपको लेकर आ चुके हैं टेरिस पे, और पूरे हमारे पास में भी ये लाइन से 12 विला आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चारों तरफ एरिया फुल डेवलप रहने वाला है। आसपास आपको काफ़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी। आशियाना 144 का प्रोजेक्ट इसी प्रोजेक्ट के पास में आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं जगतपुरा की मोस्ट प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। दोस्तों अब काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की प्राइस के लिए, तो दोस्तों मैं आपको प्राइस क्लियर कर देता हूँ। जो हम नहीं जो कॉर्नर एंड सेमी कॉर्नर जो 80 गज के
विला बताए थे उनकी जो प्राइस रहने वाली है वो 80-85 लाख रुपीज़ रहने वाली है, कॉर्नर की 85 लाख रुपीज़ और वहीं सेमी कॉर्नर की 80 लाख रुपीज़। और ये जो विला जो आज की वीडियो में मैंने आपको विजिट कराया है जिसकी डायमेंशन 20x45 होने वाली है, 100 गज में बना हुआ ये 4 BHK का डबल स्टोरी विला है, इसकी जो आस्किंग है वो 95 लाख रुपीज़ है, जो JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और साथ में 70-80% तक लोनेबल प्रोजेक्ट है। तो आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट पर विजिट कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव के नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है लोकेशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, फैसिलिटीज से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके यहाँ पर जैसा आपको विला पसंद आए वैसा आप खरीद कर अपने नाम करवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा ये पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना, अगर आप चाहो तो हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आपको 1 मिनट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी विजिट कराता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।